4 AM in the morning. सुबह जाने वाले हैं टाइगर व्यू पॉइंट जहाँ से हम सनराइज देखने वाले हैं एंड अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो पता नहीं बट लेट्स प्रे कि हमें अच्छा सनराइज देखने को मिल जाए. तो हम लोग अभी यहाँ टाइगर हिल पहुँच चुके हैं एंड काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर. ऑब्वियस सी बात है सनराइज़ नहीं हुआ है तो हो गई तो और बहुत ठंड भी है. देखते हैं हमें अच्छा सा सनराइज़ देखने को मिलता है या नहीं. काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, मोर देन एक्सपेक्टेड. बहुत ही ज़्यादा भीड़. हल्का सा हम लोगों को दिख रहा है अभी सनराइज़ हुआ है यहाँ पे, रेड लाइट हल्का सा दिख रहा है बट एक्चुअली सनराइज़ हो चुका है. वहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है बट इधर क्लाउड्स होने की वजह से कुछ नहीं दिख रहा. तो सनराइज़ तो हो चुका है यहाँ पे. हम लोगों को बहुत अच्छे से नहीं दिखा लेकिन थोड़ा बहुत दिखा, जो भी मेरे को दिखा मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ. एंड अभी व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिख रहे हैं यहाँ पे. सो अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अभी कुछ भी माउंटेन्स हम लोगों को दिख नहीं रहा. पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी दिखा था और यहाँ पे कंचनजंगा भी दिखा था. एनीवेज अब भीड़ अभी भी यहाँ पे बहुत सारी. तो अब हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं बस. तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टॉप. हम लोग यहाँ अपनी गाड़ी के पास तो आ गए हैं लेकिन हमारे ड्राइवर साहब नहीं है यहाँ पे और कोई मतलब भी नहीं बनता उनके आने का क्योंकि आगे कितनी भीड़ है. तो अगर वो यहाँ आ भी जाते हैं फिर भी हमें आधा घंटा 45 मिनट्स तो लग ही जाएगा जाने में. 6:15 हो रहे हैं, 4 बजे 3:30 उठा था मैं, 4 बजे निकले थे हम लोग. ठीक है, हम लोग 6:30 के अराउंड निकले थे और अभी 7:30 हो रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर आए. 2 hours later. ऑलराइट, तो क्विक चेंज इन प्लान. हम लोग वहाँ जाने वाले थे जापानीज़ टेम्पल जैसा हमारे ड्राइवर ने कहा था, तो फिर वहाँ नहीं गए. उसने कहा कि आप लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं. तो हम लोग अभी अपने होटल वापस आ गए हैं. अब यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा, उसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे. ओके, डन विथ आवर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया था यार, मज़ा आ गया. अब हम लोग जा रहे हैं अभी जापानीज टेम्पल और इसको वाला. ओके, ऑलराइट. तो हम लोग यहाँ जापानीज़ टेम्पल पहुँच चुके हैं, बुद्धा टेम्पल, पीस पगोडा, समवेयर देयर. यहाँ पर जो था वो एक इनका मंत्र होता है उसको एनचैंट करते रहते हैं और एक डमरू टाइप का था उसको बजाते रहते हैं. ये दिन भर चलता रहता है. वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सैंपल पीसेस भी हैं डमरू के, वो आप भी बजा सकते हैं उनके साथ. तो अब हम लोग जा रहे हैं इधर, पीस पगोडा इस तरफ है. जापानीज टेम्पल हमारा यहाँ पे था, उसी के साइड में यहाँ पीस पगोडा है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं. हालाँकि बहुत ज़्यादा कोहरा है यहाँ पर, कुछ भी हमें दिख रहा नहीं है ढंग से. तो ये है पीस पगोडा. ये इनफैक्ट बहुत सारे जगह पे है. ये अगर आप भुवनेश्वर जाएं तो वहाँ पे भी आपको धौलीगिरी के नाम से है, वहाँ पे ये आपको मिलेगा. एंड ये बिहार में भी एक जगह वैशाली, वहाँ पर भी है ये. उसी का मतलब ऐसे एक्चुअली बहुत सारे जगह जगह पे बने हुए हैं. अभी अभी जस्ट यहाँ से फॉग पूरा हट गया, आसमान बहुत ही क्लियर हो गया था. मैं भाग भाग के फ़ोटो लेने के लिए आ गया था यहाँ पर. जल्दी भागो, मेरे घर वाले सब मेरे को छोड़कर भाग गए.
ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं अभी पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, और एक है यहीं पास में जगह हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये दो जगह है जो कि आसपास ही हैं, तो हम लोग एक साथ ही दोनों को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर अंदर तीन चीज़ें हैं बेसिकली, एक जू है और एक इंस्टीट्यूट है और तीसरा एक म्यूज़ियम है। तो अभी हम लोग ये तीनों जगह यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। आई गेस ये काफ़ी बड़ा है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है यहाँ पर। तो आज जो है हमेशा हमारा प्लान लास्ट मोमेंट पे चेंज होता जा रहा है, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग म्यूज़ियम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो हम लोग म्यूज़ियम नहीं जाएंगे। इससे बदले हम यहाँ पर जो टाइगर और लेपर्ड एंड ऑल दोज थिंग्स हैं वो सब देखेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने वो बस वहाँ पे ऐसे फ़ोटो वोटो लिए थोड़ा बहुत और आ गए। यहाँ क्या मिलेगा हमें? अच्छा, ये लेपर्ड का ही एरिया है। ओके, अच्छा वो सर का बेड है, ये डाइनिंग टेबल है, और वो थोड़ा सा ग्राउंड है जहाँ वो खेले कूदेंगे। वाह, लिविंग लाइफ। हेलो बोला, हेलो बोला ना, हेलो। उस समय भी घूम रहा था ऐसे ऐसे, अभी भी यही घूम रहा है, परेशान है बेचारा, टेंशन में घूम रहा है, करूँ तो करूँ क्या मैं, बहुत टेंशन में गई, इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलूं। लाइन क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो अब हम लोगों का जू का, म्यूज़ियम का, और एक जो इंस्टीट्यूट था वो इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोग गए थे, लेकिन उसके अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ मना था वीडियो बनाना, ज़्यादा कुछ खास वैसा था भी नहीं अंदर, बट ठीक है। वो मतलब जिनको रॉक क्लाइंबिंग ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, तो मैं उसके अंदर ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं, जल्दी से घूम कर आ गया था। तो अब हम लोग देखते हैं, हमारे ड्राइवर को पूछते हैं, वो बताएगा कि इसके बाद कहाँ जाना है। सो लेट्स गो। मैं बहुत थक गया हूँ यार, सुबह 3:30 बजे उठा था, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत नींद आ रही है, बस मन हो रहा है जल्दी से ये सब ख़त्म हो और मैं घर जाऊँ फटाफट। और एक भैया कौन सा स्टॉप बाकी है अभी? टी गार्डन। चलिए बढ़िया, तो अब हमारा टी गार्डन बाकी है, टी गार्डन के बाद हम लोग घर में सोएंगे होटल में। ये है टेंजिंग रॉक, टेंजिंग रॉक है ये। क्या हुआ था भैया यहाँ पे? ये इसको टेंजिंग रॉक क्यों बोलते हैं कि सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किए थे टेंजिंग नॉर्गे, वो दार्जिलिंग से ही थे। अच्छा, वो गॉन हुए थे नेपाल में, लेकिन उसका फैमिली सब यहीं पर, उसका रहना यहाँ था दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में तो सबसे पहले जो इंडिया का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दार्जिलिंग आए थे, तो उस टाइम टेंजिंग नोर्गे ने पीछे से रॉक क्लाइंबिंग करके नेहरू जी को दिखाया था। अच्छा, और नेहरू जी बोले कि आज से ये रॉक का नाम टेंजिंग रॉक, और उस टाइम से ये रॉक का नाम टेंजिंग रॉक हो गया। और जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का ये रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग होता है वो भी इसमें यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। ओके, थैंक यू। इस वजह से इसका नाम टेंजिंग रॉक। ओके, और हम लोग पहुँच चुके हैं टी गार्डन, वो टी स्टेट भी बोलते हैं, कितना खूबसूरत, वाह। तो यहाँ हम लोग पूरा यहाँ से रास्ता है, यहाँ से नीचे जा सकते हैं एंड घूम सकते हैं काफ़ी अच्छा। राइट, सो वी जस्ट मेड इट ऑफ हियर टू आर होटल, एंड मैं बहुत थक गया हूँ, थका तो नहीं हूँ बट मुझे बहुत नींद आ रही है।
सो आज रात हम लोग यहाँ दार्जिलिंग में ही रहने वाले हैं, कल सुबह हम लोग निकलेंगे कैलिमपोंग के लिए, फिर वहाँ पे हम लोगों को एक दो तीन जगह है वहाँ पे जाना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू देन डू सब्सक्राइब एंड अगर आपके पास कुछ सजेशन है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम उस पर काम करेंगे ज़रूर एंड कल मिलते हैं, पीस, बाय बाय।